हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली के इस मौके पे हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश, जो कि बनी है सूजी और काजू से। ये नो शुगर बर्फी है, कोई भी इसको खा सकता है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि ले लेना है केसर। केसर थोड़ा सा लिया है हमने, कम से कम 20 से 25 धागे लिए हैं छोटे छोटे केसर के। उसको हम सोख करके रख लेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसको हम एक घंटे तक सोख करके रख देंगे। और इसके साथ हमने यहाँ पे लिया है 1 कप जितना सूजी और 1 कप जितने काजू। दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, आप चाहे तो काजू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे थोड़ा सा घी। घी आप कम ही डालिएगा क्योंकि अभी हमें काजू को रोस्ट करना है। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें अपने काजू डाल देंगे और गैस को स्लो फ्लेम पे कर देंगे और धीरे धीरे से अपने काजू जो है उनको भूनेंगे। काजू हमें स्लो फ्लेम पे भूनने हैं ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और ये अच्छे से भून जाएं। तो इनको हमें साथ में चलाते रहना है क्योंकि काजू बहुत जल्दी जो है वो जल जाते हैं। तो इन्हें हमें चलाते रहना पड़ेगा और जैसे ही काजू हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, हम इनको निकाल लेंगे। तो इसको धीरे धीरे आप चलाइए जब तक आपको अपने काजू ब्राउन होने दिख नहीं जाते। तो हमारे कुछ काजू हैं उनके ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। जैसे ही ऑलमोस्ट सारे काजू पे ब्राउन कलर आ जाएगा, हम गैस को बंद कर देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो हमारे काजू जो है रोस्ट होकर थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे। जितने भी हमारे काजू हैं ये सारे डाल देंगे हम इसमें और इन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए पहले हम इन्हें ऐसे ही ग्राइंड करेंगे और जैसे ही इनका थोड़ा हल्का दरदरा पेस्ट बन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बन गया है, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप जितना दूध। आप चाहे तो दूध यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप दूध डाला है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा के दोबारा से ग्राइंड करेंगे इसको बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए। तो आप चाहे तो इसको क्रंची भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन सूजी हमारी ऑलरेडी क्रंची होगी तो हमें इसे स्मूथ पेस्ट बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें हमने 1 कप दूध पहले डाला था, अब 1 कप दूध और डाल रहे हैं। इसके साथ हम इसको दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपका पहले ही अच्छे से पेस्ट बन गया है तो आप इसको कम ग्राइंड कीजिएगा। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पेस्ट काफ़ी अच्छे से बन के आ गया है। इसको हम साइड में रख लेते हैं और जो हमारी सूजी है उसको भूनने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास पुराना वाला पैन पड़ा हुआ था, हम उसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने घी और ऐड किया है इसमें। जैसे ही घी थोड़ा हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो हमारी सूजी है उसे हमने छान के रखा हुआ है, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हो, सूजी इसमें ऐड कर देंगे। गैस को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको भूनेंगे। सूजी को भी हमें हल्का हल्का पिंक, लाइट पिंक कलर आने तक भूनना है, जो हल्का सा ऐसे ब्राउनिश टाइप का कलर दिखता है। और इसको साथ साथ में चलाते रहना है क्योंकि सूजी भी काफ़ी जल्दी जो है वो जल जाती है। तो इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है, पकाते रहना है और देखते रहना है कि कहीं से सूजी जले ना। तो जैसे ही हमारी सूजी पकनी शुरू हो जाएगी, इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जो है वो केसर जो हम डाल रहे हैं वो ऑप्शनल रहेगा, अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालिए। तो हमारी सूजी जो है हल्का हल्का कलर इसने चेंज कर दिया है, हमने इसमें जो हमारा काजू का पेस्ट है वो ऐड कर दिया है और साथ में हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सूजी और काजू जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको मिक्स करना है और अच्छे से पकाना है। तो गैस को हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दिया है। जैसे ही हमारा काजू और सूजी मिक्स हो जाएगी, इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाना है। जैसे ही ये पकने लग जाएगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध और ऐड किया था। अगर आपको पहले वाला पेस्ट ज़्यादा लिक्विडी लग रहा है तो आप इसमें दूध और ऐड मत कीजिएगा। अब हमने इसमें 1 कप दूध और ऐड कर दिया है। जो इसमें हल्के हल्के आपको पीसेस दिख रहे होंगे, ये लम्ब्स नहीं है, ये थोड़ा सा पेस्ट बना है लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है। तो हम इसको स्पैचुला की हेल्प से ऐसे प्रेस कर लेंगे और इसका डो बना लेंगे। तो इसको प्रेस करते हुए हमें अच्छे से पकाना है जब तक ये थोड़ा सा हार्ड नहीं हो जाता है।
अब इसके साथ हमने जो भिगोया हुआ केसर था वो ऐड ऑन कर देंगे, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो सारे जो हमारा बर्फ़ी का पेस्ट है इसमें मिक्स हो जाए। साथ में हमने इसमें डाली है 1 कप जितनी शुगर, शुगर मतलब शक्कर, आप चाहे तो चीनी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे चीनी नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको हेल्दी बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसमें शक्कर यूज़ की है। आप चाहे तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट गुड़ पकाने के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इसलिए हमने शक्कर यूज़ की है। तो इसको भी हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो देखिए हमारी जो सूजी है, हमारे जो काजू हैं, काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। आप इसको प्रेस करके देख सकते हो, जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये हल्का सा आपको प्रेस होता हुआ दिखेगा, वरना जो सूजी के जो दाने हैं अगर पका हुआ नहीं होगा वो आपको थोड़े से हार्ड लग जाएंगे जब आप इसको हाथ से प्रेस करोगे। तो इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारा जो ये डो है वो कितना हार्ड बन के आया है। इसे हमें ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, अदरवाइज़ बर्फ़ी बाद में टूटेगी नहीं। तो इसको हमने अच्छे से पका लिया है, इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, छोटी इलायची पाउडर डाल रहे हैं हम यहाँ पे अप्रॉक्स 1 टीस्पून। अगर आपको इलायची फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा ब्राउन कलर है शक्कर का वो भी काफ़ी अच्छे से आना शुरू हो गया है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इसके बाद इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए हमने सबसे पहले टिन लिए है, आप किसी भी ट्रे में ऐड इसको डाल सकते हैं। इस पे हमने डाल दिए हैं बटर पेपर, आप चाहे तो टिन पे एज इट इज़ ज़्यादा घी लगा के इस पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारा बना हुआ बर्फ़ी का सामान है उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने बटर पेपर पे भी हल्का हल्का घी लगा के रख दिया है। अब हम थोड़े से पिस्ता और बादाम चॉप कर सकते हैं, अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट अपनी बर्फ़ी में डालना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास जितने पिस्ता है हमने उनको काट लिया है, हम इसको इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। हल्के हल्के डाल लीजिए, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमने सारे जो पिस्ता है उनको इसमें डाल लेना है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बर्फ़ी का सामान है उसको हम इसमें डाल लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से देखिए आपको एक बारीक बारीक सा थोड़ा सा खिला खिला सा आपको बना हुआ दिखेगा। इसको हम पूरी तरह से ट्रे में डाल लेंगे और उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लेंगे। हमें इसे इवनली स्प्रेड करना है, ताकि कहीं से मोटी कहीं से बर्फ़ी पतली ना दिखे। तो हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, ताकि जब ये सूख जाए तो ये अच्छे से कट के बाहर आ जाए। तो देखिए चारों तरफ से ये अच्छे से इक्वली प्रेस हो चुकी है। अब हम थोड़े से बादाम चॉप करके इसके ऊपर डाल लेंगे। आप चाहे तो अगर आपने एक साइड इसमें पिस्ता डाला है आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हो। तो हमने इसमें थोड़े से और बादाम चॉप कर लिए हैं, आधे हमने गोल शेप में काटे हैं और कुछ बादाम हमने थोड़े लंबे आकार में काट लिए हैं। इन बादाम को काटने के बाद जो हमने पेस्ट बना के रखी थी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेंगे। जैसे भी आप इसको डालना चाहें आप डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा डालने हैं तो आप ज़्यादा काट के डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप काजू भी डाल सकते हैं, या अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बादाम डालने के बाद हमें इन्हें भी अच्छे से प्रेस कर लेना है, ताकि जब हम इसको काटें और जब हमारी बर्फ़ी सूख जाए तो ये बाहर नहीं निकले। तो हम इनको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इनको अच्छे से दबा लेंगे, इसके बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो इसको हमें कम से कम 3 से 4 घंटे तक रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, आप चाहे तो इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। तो हमने इसको फ्रीज में रख दिया था, आप चाहे तो बाहर भी छोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको हाथ लगा के पता चल जाएगा थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप चाहे तो किसी भी चॉपिंग बोर्ड पे, या अगर आपके पास कोई बड़ी ट्रे है आप उसके ऊपर इसको रख लीजिए और इसको पलट लीजिए। पलटने के बाद जो होगा आपका ऊपर वाली ट्रे आप निकाल लोगे और उसके बाद जो बटर पेपर है वो इजीली निकल जाएगा। अगर आपने टिन के ऊपर घी लगाया है तब भी आपकी बर्फ़ी जो है वो इजीली निकल जाएगी, क्योंकि वो उस पर चिपकेगी नहीं। तो देखिए जो हमारी बर्फ़ी है वो काफ़ी अच्छे से बन के आ गई है, जो हमारे पिस्ता है वो भी काफ़ी अच्छे से इस पर दिख रहे हैं। आप चाहे तो इस पर अगर आपके पास रोज़ पेटल्स हैं वो भी डाल सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती हैं।
अब हम इसको अच्छे से पीसीस में काट लेते हैं। हम यहाँ पे इसको इक्वल क्यूब्स में काट रहे हैं, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसके स्लाइसेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पहले एक साइड से लंबी लंबी लाइंस में काटेंगे और फिर दूसरी साइड से, तो हमारे जो है वो क्यूब्स कट के रेडी हो जाएंगे और उसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप इसको कैसे भी खा सकते हैं, आप दिवाली पे इसको अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को बना के खिलाइए तो वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये हेल्दी भी है और बाहर की मिठाइयों में जो अगर आपको मिलावट का डाउट रहता है वो भी नहीं रहेगा। तो देखिए हमारे जो पीसेस हैं वो काफ़ी अच्छे से कट के आए हैं, इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बन के आया है, तो ये खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो गाइस अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।